So now children, sum number 2, I solved it on the blackboard, the previous sum that we did. Sum number 3, have a look at it. It's 2x minus 3y equals to 9, 2x plus y equals to 13, the second equation. दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट x का वेरिएबल 2 है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है. और तुमको पता है कि जब x का कोएफिशिएंट सेम होता है और उसका साइन भी जब सेम होता है, तुमको दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, सॉल्व करना है, x का वैल्यू ढूंढना है. x का वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है, तुमको सब्स्टिट्यूट करना है कोई भी एक इक्वेशन में और y का वैल्यू ढूंढ के निकालना है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लुक एट द फोर्थ सम. ओके, द फोर्थ सम इज लाइक दिस. It's 5m minus 3n equals to 19, m minus 6n equals to minus 7. If you look at the sum, you can solve the sum by equating the coefficient also. How? See, the coefficient of n is 3, the coefficient of n is 6. The coefficient is not same, but I can make it same by multiplying equation number 1 by 2. Agar main equation number 1 ko 2 se multiply karta hu, तो ये 6n हो जाएगा, ये भी 6n ऑलरेडी है, फिर मुझे उसका कोएफिशिएंट सेम मिलेगा. समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को, तो तुमको एक नया थर्ड इक्वेशन मिलेगा जिसमें n का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा. और फिर उसको वापस सबट्रैक्ट करके उसको सॉल्व करना है, वो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट हो गया. बट I would like to solve the sum by substitution method. ये तुमने already तुम्हारे 9th standard में किया है. तो एक sum मैं solve करके तुमको बताता हूँ कि substitution method से कैसे उसका answer ढूँढ के निकालना है. तो look here. So what I'll do is I'll take an equation. Say I take the second equation. Okay? Second equation. तुमको पता है substitution method कैसे करना है? सबसे पहला एक इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना है इन द टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. जैसे कि यहां पे m minus 6n equals to minus 7 है, minus 6n राइट हैंड साइड में गया तो plus 6n हो गया, तो मुझे यहां पे m का वैल्यू मिल गया एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ n. अब इसको जो भी m का वैल्यू तुमको n के टर्म्स में मिला है उसको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. ये मुझे कहां से मिला, सेकेंड इक्वेशन से मैंने ये डिराइव किया, बराबर. तो इसको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना. सो आई हैव रिटन सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू 6n माइनस 7 इन इक्वेशन नंबर 1. तो ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 में m के जगह पे मैंने क्या लिखा, 6n माइनस 7. फिर ये 5 मल्टीप्लाई करो, 5 * 6 30, 5 into 7, 35. फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, तो ये हो गया 30n minus 35 minus 3n equals to 19. 30n minus 3n is 27n minus 35 equals to 19. Minus 35 इधर से उधर गया, तो हो गया 19 plus 35, 27n is equals to 54. N is equal to 27 divide हो गया, 54 divided by 27 is 2. So I got the value of n. n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कोई भी एक इक्वेशन में, इसमें करो तो भी m मिलेगा, इसमें n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो भी m मिलेगा, या इसमें करो तो भी m मिलेगा. तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया है और इसको मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया. तो देखो इधर m equals to 6 into n के जगह पे I've written 2 minus 7, 6 2s are 12 minus 7, so m is 12 minus 7 which is nothing but 5. So m is equal to 5 and n is equal to 2 is the solution of the given equation. So I said simultaneous equation can be solved by two methods. One is by equating the coefficient, other one is by substitution method. So how do you solve it by equating the coefficients? Coefficients equal hai ya nahi dekhne ka? Agar coefficient equal hai, to sign dekhne ka. Agar sign same hai, to subtract karne ka. अगर साइन अलग है तो ऐड करने का. इस तरह से इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से तुमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का वैल्यू ढूंढ के निकालना है. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, कोई भी एक सिंपल इक्वेशन लेना है, उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है
और फिर उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। ये तुमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आई विल बी टीचिंग यू अ सम व्हिच विल बी ऐड सबट्रैक्ट ऐड मेथड।